चुनावी सीजन में दल बदल की एक दिलचस्प कहानी इन दिनों पंजाब में भी चल रही है। जी हां, पंजाब में पहले तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए, कल आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू एक विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चुनाव की इन पहले पार्टी से पाला बदलने की कहानी पंजाब में भी परवान चढ़ी है। आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू जब अपनी ही पार्टी के एक विधायक के साथ बीजेपी में शामिल हुए तो आम आदमी पार्टी बौखला गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सुशील रिंकू और शीतल अंगुराल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तीन विधायकों ने दावा कर दिया कि उन्हें भी बीजेपी में शामिल होने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। कल तकरीबन 12:52 थे, एक एक कॉल आई, कहिंदा जी तुसी कंफर्टेबल हो गल करना से, मैं कहा जी बोलो, कहिंदा मेरी थोनू एक ऑफर है, सी थोनू बीजेपी ज्वाइन करवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से ऑपरेशन लोटस का ये आरोप पहली बार नहीं लगाया गया। हालांकि जो नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं उनका दावा कुछ और ही है। पर ये जड़े लोग जिहड़ियां अफवाहां फैला रहे हैं मिशन लोटस दियां लेन देन दियां, ओरे तू मेरा परिवार जा, मैं डरने वाला नहीं, पर ये मिशन लोटस है और बिल्कुल फेक है। इस गल दी मैं गारंटी देना पूरे भारत के लोगों नूं कि वो सारा कुछ जिहड़ा ये जिहड़ा चलाया होया तीर है ये आम आदमी पार्टी दा। उधर जिस तरह दल बदल का सबसे ज्यादा डैमेज कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ऐसे में पार्टी का कहना है कि उनके पास इतनी मजबूत लीडरशिप है कि बीजेपी को नेता की तलाश भी कांग्रेस पार्टी में ही करनी पड़ रही है। भाजपा में तो कोई नेता थे नहीं दम वाले, तो कांग्रेस से लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तो कोई नेता किसी दम के है नहीं, तो कांग्रेस वाले हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस इतना विशाल समुद्र है, यहाँ खूब नेता है। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की चुनाव में जीत का प्रतिशत उन नेताओं के मुकाबले 10 गुना तक अधिक है जो दूसरे दलों से कांग्रेस में आते हैं और चुनावी दाव आजमाते हैं। आज तक ब्यूरो।